मुंबई में एक 27 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने 3 बच्चों को आइसक्रीम में चूहे का जहर मिलाकर दिया। कहानी बहुत ही चौंकाने वाली है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। अली नौशाद अंसारी और उसकी पत्नी नाजिया बेगम मुंबई के मानखुर्द इलाके में रहते थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। दोनों के बीच अक्सर पैसों को लेकर विवाद होता रहता था। अंसारी एक दिहाड़ी मजदूर था, दोनों अपनी वित्तीय परेशानियों के कारण लड़ते थे। 25 जून को उनका झगड़ा हुआ, इसलिए नाजिया घर छोड़कर अपनी बहन के पास रहने चली गई। इसके बाद अंसारी तीनों बच्चों को आइसक्रीम के लिए बाहर ले गया। उसने कथित तौर पर आइसक्रीम में चूहे का जहर मिलाकर बच्चों को दिया। जब नाजिया घर लौटी तो उसके बच्चों को पेट दर्द की शिकायत होने लगी और वह उन्हें अस्पताल ले गई। जब डॉक्टरों ने बताया कि यह जहर के कारण है, तो शुरुआत में नाजिया ने डॉक्टरों से झूठ बोला कि बच्चों ने गलती से चूहे का जहर खा लिया था, लेकिन उसके 6 साल के बेटे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस जांच करने पहुंची। बाद में नाजिया ने पुलिस को सूचना दी कि उसका पति बच्चों को आइसक्रीम के लिए बाहर ले गया था, जिसके बाद वे बीमार पड़ गए। उसने कहा कि उसे लगता है कि उसे आइसक्रीम में जहर मिलाकर दिया होगा। पुलिस ने तब अस्पताल में स्वस्थ हो रहे 2 जीवित बच्चों का बयान दर्ज किया। अंसारी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अंसारी फरार है।